तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम, आदाब, नमस्कार। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, अल्लाह के फजल वो करम से होंगे। मैं आपका मेजबान डॉक्टर संजय कुमार एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ, और एक बार फिर से एक और नए मेहमान के साथ आया हूँ। जैसे कि आपको पता है, हम हर रोज एक नए मेहमान के साथ आते हैं, उनकी जो लाइफ स्ट्रगल और स्टोरी सुनते हैं और उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए, जो आज के हमारे मेहमान हैं, इनका नाम शाहीन खान है, इनका ताल्लुक कराची से है और ये एक फैशन डिजाइनर है। मजीद शाहीन खान कौन है और क्या है, आइए इनकी जुबानी सुनते हैं। ओवर टू यू शाहीन खान, अपने बारे में बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहीना है और मैं 39 ईयर्स की हूँ। और मेरा मेरा जो काम है ना, मैं बचपन से मुझे शौक था सिलाई करने का, कि मेरी दादी ही सिलाई करती थी तो मैं उन्हें देखती थी। बस देख देख कर मुझे शौक हो गया, मैं कपड़े स्टिच जैसे करने लगी। गुड़िया के, छोटी होती थी उस टाइम तो गुड़िया के कपड़े स्टिच करती थी, और यही जो मेरा शौक था आगे चल के मेरे लिए रोजगार का जरिया बन गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा ये शौक मुझे आगे मेरी रोजगार का जरिया बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने लाइफ जो है ना बहुत टफ गुजारी। माँ बाप जो है ना बच्चों को, हमारे जो मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना, ये लियारी का एरिया है, तो यहाँ पर लड़कियों को जो से बड़ी होती है ना, उनकी तालीम पर इतना तवज्जो नहीं देते। और बच्चे भी, लड़के भी हैं जो, तो उनको भी काम पर लगा देते हैं। और बच्चियों की आपको पता है जैसे बड़ी होती है, उनको शायद शादियां कर देते हैं। पेरेंट्स ये नहीं सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, बेटियां हैं या बेटे हैं, तो आगे चल के उनके लिए लाइफ कितनी मुश्किल हो जाएगी। तो मैं तमाम पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को तालीम भी दें और हुनर भी दें, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। अगर मेरा शौक ना होता और मुझ में टैलेंट ना होता तो मैं शायद मैं बहुत परेशानी के, क्योंकि इस दौर में कोई किसी का नहीं, कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, हर किसी को अपना खुद करना पड़ता है। तो ये स्किल्स होने बहुत जरूरी है और सीखना चाहिए। मैं आज तक हर चीज सीख रही हूँ, जैसे कि मैं अपने आप को स्टूडेंट ही समझती हूँ, इतनी तालीम नहीं है मेरे पास, मगर अल्लाह का शुक्र है कि हुनर है मेरे पास। तो इस लिहाज से मैं बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है मेरे पास। मैं अपने हुनर से हर जगह पे अपने हुनर से अपना काम कर सकती हूँ, किसी की मोहताज नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये कि आप सवाल करें। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे से अपने बारे में बताया और बहुत अच्छी बात बताई आपने कि हुनर जिसके पास है वो कभी मोहताज नहीं होता किसी का। हुनर सबसे ज्यादा दौलतमंद है और हुनर ही सबसे बड़ी ताकत है। तो ये अच्छी बात है, आपके पास हुनर है, आपके पास स्किल है। और मेरा इससे रिलेटेड मजेदार सवाल है कि आप अपनी लाइफ स्टोरी, जिंदगी के बारे में बताएं कि कैसे आपने बचपन से अब तक अपनी जिंदगी में जो कुछ सीखा, कैसे जिंदगी में जो तकलीफें देखी हैं, जो स्ट्रगल की और क्या क्या आपने किया, जो कुछ भी आप शेयर करना चाहती हैं, ताकि आपकी स्ट्रगल, आपके तकलीफों, जो आपने जिंदगी में जो कुछ सीखा उससे मैं और मेरे व्यूअर्स कुछ सीख सके, कोई सबक हमें भी मिले। ओवर टू यू आप। मैं समझती हूँ कि लाइफ में जो है ना, हम खुद जो है ना, वो अपने लिए बहुत ही कीमती है। हमें खुद अपना ख्याल रखना चाहिए, दूसरे हमारा ख्याल नहीं रखेंगे। कि हमें खुद अपने अंदर स्किल्स पैदा करनी चाहिए, क्योंकि हर रिश्ता जो है ना हमारे साथ छूट जाता है, कोई हमारा साथ नहीं देता। हमें खुद अपना इतना विल पावर अपने अंदर पैदा करना चाहिए, अपने लिए अपना सोचना चाहिए, तालीम हासिल करनी चाहिए जैसे, और हुनर सीखना चाहिए। ये सब चीजें जो है ना हमें अपना आप बनाना चाहिए। हम खुद बने हुए होंगे तो हम आगे अपने बच्चों को हर चीज को बना सकेंगे, ठीक है ना। ग्रेट तो ग्रेट, मेरे पेरेंट्स ने तो मेरी शादी कर दी थी और सोचा था कि शायद मेरी बेटी खुश रहेगी बहुत, मगर आगे की लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है इंसान को। बहुत आगे तक माँ बाप तो सोचते हैं मगर नसीब नहीं दे सकते। नसीब जो है ना वो खुद बनता है, बनाता है इंसान।
तो वक्त के साथ साथ सब चीजें जो है ना इंसान के पास जाती रहती है जाती रहती है, इंसान परेशान हो जाता है। मैं खुद एक समझो कि जहनी मरीज बन चुकी थी, मेरी ये कंडीशन हो गई थी, मगर मैंने इन चीजों से अपने आप को निकाला, अपने आप को अमेजिंग। निकाला। मैंने मेरे पास जो बचपन में जो मैंने सीखना शुरू किया था ना सिलाई का, मैंने उस पे ज्यादा तवज्जो देने शुरू की, तो मेरे दिमाग से जो है ना टेंशनें जाती रही और मैं अपने काम पे बहुत मैंने फोकस किया। और मैंने माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है सिलाई मैंने सीखी, आज मैं जहनी तौर पर जो है ना बिल्कुल सेट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि इंसान फारिग होता है ना तो टेंशन आती है, इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है ना तो इंसान के अंदर सलाहियतें भी बढ़ती हैं और इंसान की लाइफ आसान हो जाती है। मुश्किलें इस तरह से मैंने अपनी लाइफ की कम की, और पेरेंट्स जो थे हमारे कहीं बाहर नहीं जाने देते थे, बोला नहीं बच्ची हो बाहर का माहौल अच्छा नहीं है ये नहीं है, मगर मैंने अपने अंदर अहद किया था कि मैं जिस मकसद के लिए बाहर जा रही हूँ वो मकसद मुझे अचीव करना। और मैंने सिलाई सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, जो रिश्तेदार होते थे वो भी खिलाफ होते थे कि क्यों बाहर जा रही हो, औरत क्यों बाहर जा रही हो, अपने घर बैठो बच्चों को संभालो। मैंने कहा नहीं मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, मैं बाहर जाऊंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिलाई सीखी, लोग बहुत बातें करते थे मेरे ऊपर मगर मैंने उनके तवज्जो नहीं दी उनके ऊपर, मैं अपना सीखती रही। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीख चुकी हूँ, तो वही लोग आते हैं कहते हैं हमारे बच्चों को भी सिखाओ, जो तुमने अमेजिंग। सीखा है वो हमें भी सिखाओ। तो इस तरह से हम जब कुछ बन जाते हैं ना तो लोग फिर हमारे पीछे आते हैं, तब तक हमें कुछ नहीं समझते। बोलते ना अकेला इंसान होता है ना और मेहनत करता रहता है, जब वो कुछ बन जाता है ना तो फिर लोग उसके पीछे आते रहते हैं कि अब तो ये कामयाब हो चुका है, तो कामयाब बन के दिखाना चाहिए लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त मैं जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने लाइफ के स्ट्रगल बताई कि मैंने किस तरीके से अपने जो है मुश्किल वक्त को निकाला, फिर अपने मुश्किल वक्त में जो मैंने बचपन में सीखा हुआ हुनर ने मुझे सहारा दिया, और माशाल्लाह आज मैंने जिन लोगों ने मुझ पे उंगलियां उठाई है, बाहर जाती है, काम करती है, आज वो खुद अपनी बच्चियां मेरे पास छोड़ती हैं और मेरे से काम सीखने के लिए मुझे बोलते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब बिल्कुल ये लोगों के लिए ट्रू इंस्पायरेशन है। हमारे लिए कुछ मैसेज आए हैं। मोहम्मद जी इकबाल साहब ने लिखा है गुड, मोहम्मद इकबाल साहब ने लिखा है, भैरूलाल सूटर ने लिखा है गुड, उसके बाद राजा अर्चन साहब जो हमारे इंसान पार्टी के सीईओ हैं, इन्होंने लिखा है नाइस शो और वेलकम डॉक्टर संजय कुमार, और उसके थैंक बाद मे यू टेल द पर्पल ऑफ दिस शो इज इट इज यस शिवलाल, आज इनकरेजमेंट के लिए, और जिन लोगों ने अपने लाइफ में स्ट्रगल की है और स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं और अपने स्ट्रगल शेयर कर रहे हैं ताकि उनसे हम भी इंस्पायर हो सकें और हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी इंस्पायर हो सकें। तो आज का गेस्ट हमारा है जिन्होंने स्ट्रगल के बाद खुद को बनाया है और अपने लाइफ स्टाइल हमारे साथ शेयर कर रहा है। थैंक यू सिवरल, उम्मीद है मुझे मेरे शो का आपको जवाब मिल गया होगा। थैंक यू भाई। तो ये कुछ एक दोस्त है जिन्होंने हमें सवाल पूछे और हमारे बारे में बात की, तो आप जी बड़े अच्छे से बता रहे हो। आप बताएं कि वो कौन सी आइडियल पर्सनालिटीज है आपकी, तीन पर्सनालिटीज जिनसे आपने तीन बातें सीखी हो वो हमारे साथ शेयर करें जी। और मेरी आइडियल पर्सनालिटी है कायदे आजम मोहम्मद अली जिना, जिन्होंने हमारे मुल्क को आजाद करवाया, आज हम सुकून से अपने मुल्क में बैठे हैं, गुलामी से हमें निजात दी। तो सबके लिए सोचा उन्होंने, हर मुसलमान के लिए, मुसलमानों के लिए सोचा कि एक अलग रियासत हो ताकि हमारे मुसलमान जो हैं वो अपने पुरसुकून अपने मुल्क में रह सके। बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर खैर व आफियत फरमाए और अपना करम फरमाए, एक हो जाए सब, सब एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, तो हम एक बहुत मजबूत कौम बन सकते हैं। हमारा मुल्क जो है ना वो एक खजाने से कम नहीं है, हमारे मुल्क में हर चीज है,
हर काम हम कर सकते हैं, कोई बेरोजगार नहीं रह सकता है, मगर काम करने वाले लोग सच्चाई से काम करें। अगर सच्चाई से काम करें ना, तो हम कुछ भी, यानी कि हमारे लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, सब हम कर सकते हैं। ये है। और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा है, वो माशाल्लाह मेरी पर्सनैलिटी उनकी बहुत जबरदस्त है। उनकी मैं स्पीच वगैरह सुनती थी, मैं जब छोटी होती थी स्कूल में, तो उनके जैसे गेटअप करके फिर अच्छा तकरीर करती थी, तो सब मेरी तकरीर को सुनते थे। वो छोटी होती थी उस टाइम, बस ये है। तो जी, आप आज भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बोल रही हैं। बचपन में भी आपको सुनते थे, आज भी बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बड़े अच्छे से बता रही हैं और सब लोग आपको सुन भी रहे हैं, तो नो डाउट आप में कॉन्फिडेंस है, बस पार निकालें उनको, जबरदस्त तरीके से आप बता रही हैं सबको। अल्हम्दुलिल्लाह है, मगर मैं जिस माहौल में रह रही हूँ ना, मैं इस माहौल से थोड़ा बाहर निकलना चाहती हूँ, मगर किस तरह निकलूंगी ये मुझे नहीं पता है। मगर जैसे आप कि कुछ अच्छा करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, कुछ आगे बढ़ना चाहती हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह के ऊपर बहुत उम्मीद है, भरोसा है कि अल्लाह ताला मेरा साथ देगा इंशाल्लाह। आपका हुनर ही आपको आगे बढ़ाएगा, उसको जारी इंशाल्लाह रखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरा अगला सवाल है कि आप जो ये कौन कौन, जैसे आपने बताया आप एक फैशन डिजाइनर हैं, तो कौन कौन से डिजाइने आप बना लेती हैं, तो थोड़ा सा हमें बताएं और हमें समझाएं आप। ओवर टू यू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जैसे कोई डिजाइन देख लेती हूँ ना, मैंने यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है। मोबाइल जो है ना, मैं इसे मिस यूज नहीं करती हूँ इसको, ये बहुत ही काम की चीज है। मैं समझती हूँ ये एक जादू का गोला है, इसमें से हम हर चीज निकाल सकते हैं, हर चीज सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें से डिजाइन ही बहुत सीखी। अब मुझे कोई डिजाइन दे जाता है ना, तो मैं सिर्फ बना के दे देती हूँ, तो कहते हैं वाकई में तुम तो टेलर जैसा काम करती हो। तो मैं डिजाइनिंग वगैरह हर चीज बना लेती हूँ, जो मैं चीज देखती हूँ, सिलाई कढ़ाई माशाल्लाह सब मुझे आती है। जो भी मैं चीजें देखती हूँ तो मैं बना लेती हूँ। अच्छा, चंद डिजाइन, जो भी डिजाइन आप देखते हो बना लेते हो, माशाल्लाह। आपने कहा मैं मोबाइल से यूट्यूब से बहुत सारी मैंने चीज सीखी है, तो ये आज के हमारे नौजवानों के लिए एक मैसेज है कि यूट्यूब से आप जो चाहें वो सीख सकते हैं, जो हुनर जी सीखना है अल्लाह, आप सीख सकते हैं। जिस वक्त भी आपको लगे कि यूट्यूब पे खाली फिल्में देखने के लिए या गाने देखने के लिए या तफरी के लिए, फनी वीडियो के लिए नहीं है, YouTube इलम सीखने के लिए, स्किल सीखने के लिए एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिस मौजू पे भी आपने सीखना है आप उससे सीख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल नादरे। बिल्कुल, हमारे साथ शाइन खान है और ये फैशन डिजाइनर है, हाउसवाइफ है 39 ईयर ओल्ड की, और बहुत अच्छी बातें कर रही है, अपने लाइफ स्टाइल हमारे साथ शेयर कर रही है। मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपने अपने जिंदगी में कौन सी 3 चीजें सीखी, जिंदगी के तजुर्बात में, वो हमारे साथ शेयर करें। जिंदगी के तजर्बात में, पहला पहला तजर्बा तो ये है कि हम सब कुछ है। हम हमारी जो जात है ना, इंसान को अपनी जात से मोहब्बत करनी चाहिए और दूसरों से भी मोहब्बत करनी चाहिए, दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा ही फायदा हो, वो काम करना चाहिए जिससे लोगों को भी फायदा पहुंचे हमारी जात से। यही चीज मैंने सीखी है कि अपने ऊपर जो है ना, अपने ऊपर अपने अपनी जात से दूसरों को फायदा पहुंचाओ और अपने सेल्फ अच्छा बनाओ। टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट। मुझे इंग्लिश इतनी नहीं आती है, मगर नहीं, आप मैंने, उर्दू में अच्छा बता रही हो, हाँ अच्छा बता रहे हो। तो और मैं दूसरी सीखना बात क्या सीखी? चाहूंगी, मैं इंग्लिश भी सीखना चाहूंगी। दूसरी बात कि अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आगे हमारे पेरेंट्स जो है ना, हमें कहते हैं कि ये नहीं करो, बजाय हमें बुरा लगता है, मगर आगे जब हम उस स्टेज पर आते हैं ना, जब उस एज में आते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि वो सही है, वो अपनी जगह पे सही कहते हैं। तो मैं न्यू जनरेशन को यही कहना चाहूंगी कि अपने पेरेंट्स की इज्जत करें, उनकी कदर करें, उनकी बातों पर अमल करें, तो ही कामयाबी होगी। अपने
आस पड़ोस के लोगों का ख्याल रखें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे से बताया कि मैंने लाइफ में सीखा है जो आप हैं वो आप हैं, आप जैसा कोई और नहीं बन सकता, आप एक यूनिक हैं, आप जो कर सकते हैं वो आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। बड़ी अच्छी जी बात बोली और बड़ी जबरदस्त बात बोली आपने, और अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बड़ों के लिए इज्जत रखो, उनसे मोहब्बत करो, बहुत अच्छी बातें आपने कही। मेरा इससे रिलेटेड एक और सवाल है कि एक वक्त था जब लोग आपको बाहर सीखने जाते थे, आप हुनर, तो लोग एतराज करते थे, आज वही लोग अपनी बच्चियां आपके पास लेके आ रहे हैं, उन्हें सिखाओ, तो ये सफर अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप, मतलब क्या फील हो रहा है, प्लीज शेयर कर। मुझे मुझे बहुत खुशी होती है कि वक्त जो है ना वो अच्छा जवाब देता है हमारे जवाब देने से। हमें जवाब नहीं देना चाहिए, वक्त का इंतजार करना चाहिए। जब वक्त आता है वो हमारे लिए अच्छे से जवाब दे देता है कि देखो तुम इसके लिए क्या कहते थे और ये क्या है। फिर इंसान खुद शर्मिंदा हो जाता है, फिर फायदा नहीं है। तो ये वक्त वक्त का इंतजार करना चाहिए और बस खामोश रहना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए। जो हमारा दिल चाहता है अच्छा काम करने का हमें करना चाहिए। हमें लगता है कि ये हमारे लिए सही है, ठीक है, वो काम हमें करना चाहिए। और लोगों की बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारा जो मकसद है लाइफ का, हमारी जिंदगी का, हर इंसान का कोई ना कोई मकसद है जिंदगी जीने का, तो उसे वो अपने तरीके से जिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को, औरत को, मर्द को, सबको जो है ना कोई सलाहियतें दी हुई है। जो कुछ वक्त के लिए हमें लोग जो दबा देते हैं कि दबे रहो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मगर नहीं, हर इंसान को मौका देना चाहिए कि हर चीज इंसान कर सकता है। हर इंसान के अंदर सलाहियत है, मगर वो अपने आप को जब पहचाने, अपने अंदर झांके कि मैं क्या हूँ, तो वो कब सब कुछ कर सकता है। जी, आप महसूस बिल्कुल, एक बात तो आपने अच्छी बताई कि वक्त सबको अच्छा जवाब देता है, ये अच्छी बात है। मेरा सवाल ये था कि अब आपको महसूस कैसा हो रहा है कि वही लोग जो आप पे तंज कर रहे थे, तनकीद कर रहे थे, आज उनकी बच्चियों वो खुद आ रहे हैं आपके पास और अपने बच्चे आपको बोल रहे हैं कि हमारे बच्चियों को सिखाए, तो अब आपके अंदर क्या महसूस हो रहा है? मुझे खुशी होती है, मुझे खुशी होती है। मैं उनको और गाइड करती हूँ कि ये चीजें करो, जी मुझसे पूछते हैं, मैं उन्हें गाइड करती हूँ। अच्छा लगता है, बस क्या कह सकती बिल्कुल हूँ। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कहा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, होनी भी चाहिए खुशी, अच्छा महसूस भी होना चाहिए, क्योंकि आपने अपना मकाम लोगों की परवाह के लिए बगैर बनाया है। अब लोग तो, अब जाहिर सी बात है, जब वो आ रहे हैं आपके पास तो आपने अच्छा तो लगना है, खुशी तो महसूस होनी है। दूसरी बड़ी बात आपने बताई कि वक्त ने उनको अच्छा जवाब दे दिया, ये सबसे अच्छी बात है। तो आपसे बातें अच्छी हो रही हैं, एक और सवाल मैं कर लेता हूँ कि आप माशाल्लाह स्ट्रगल कर रही हैं लाइफ में, अपने आपके बच्चे हैं, तो आपके कितने बच्चे हैं, उनको आप तालीम कितने दिला तालीम दिला रहे हैं, और साथ साथ आप जो है हुनर भी कर रहे हैं, तो ये शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ ताकि आपके स्ट्रगल से हम सब सीख सकें। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं। जब मैं बहुत परेशानी के आलम में थी तो मेरे हस्बैंड जो है वो भी कहने लगे, बस अब बच्चों को नहीं पढ़ाओ, तुम कौन सा पढ़ी हुई हो, तुम कौन सा ज्यादा पढ़ी हुई हो। और वैसे भी हमारे यहाँ ज्यादा बच्चों को पढ़ाते नहीं है। मैंने कहा मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ, मुझे अपने बच्चों को तो पढ़ाना है। क्योंकि मैंने अपनी मेरी बड़ी बेटी है वो अभी माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, तो उसके लिए भी बहुत मैंने मेहनतें की कि वो पढ़ ले, वो पढ़ लेगी तो मेरे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। तो और हाँ, तो मैंने मैट्रिक अपनी बेटी के साथ किया है। मेरी बेटी 9th क्लास में थी और मैं मैट्रिक में थी। मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के पढ़ती थी, इन मदरसे जाती थी तो मैं खुद भी जाती थी मदरसे, अपने बच्चों के साथ लेके जाती थी और मैं भी वहां पर बैठ के पढ़ लेती थी। मेरे बच्चों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि बच्चे भी बहुत कुछ सिखाते हैं। हम कहते हैं ना कि ये बच्चा है, नहीं,
बच्चों को भी अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, उससे भी हम कुछ सीख सकते हैं। सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए किसी को भी मोटिवेट नहीं करना चाहिए, ये तो ऐसा है वैसा है, नहीं। बच्चा है तो बच्चा भी समझदारी वाली बात कह देता है, कि वो उसको भी अल्लाह ताला ने दिमाग तो दिया हुआ है ना। बच्चों से मैंने अपने बहुत कुछ सीखा। इंग्लिश है मेरी बेटी, मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाती है, नहीं ऐसा नहीं ऐसा, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया तो वहां से भी मुझे कुछ मिल रहा है ना। हम किसी को कुछ देते हैं ना तो हमें वहां से अच्छा ही मिलता है, नेकी का बदला नेकी ही है, हमें नेकी ही मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, मेरा बेटा है वो कॉलेज में, और एक मेरी बेटी है वो 10th क्लास में, एक है 6th क्लास में पढ़ती है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस कैसे भी लेवल से, जैसे कि मैं इतनी बड़े तबके से नहीं हूँ, मैं लियारी में रहती हूँ, और लियारी की आपको पता नहीं आपने देखा हुआ एरिया कि नहीं, तो यहाँ की एजुकेशन को इतना वो नहीं, मगर जो मैं कर सकती हूँ अपने बच्चों के लिए मैं पढ़ा रही हूँ, मगर पढ़ना लिखना तो आ रहा है ना, इंग्लिश आ रही है बस ये। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे से बताया और जबरदस्त बात आपने ये बोली कि बच्चों को मैं स्कूल लेके जाती थी या मदरसा लेके जाती थी तो साथ साथ मैं भी पढ़ लेती थी। तो आप तो ट्रूली इंस्पायरेशन है लोगों के लिए, नो डाउट। बड़े अच्छे से आपने अपने बच्चों के साथ अपने तालीम जारी रखी और आपने कहा माशाल्लाह मैंने मैट्रिक भी मैंने की, बच्चों को भी पाला, बच्चों को भी पढ़ाया, उनको पढ़ाते साथ मैंने खुद पढ़ा और मैट्रिक दी, तो इससे जबरदस्त बात क्या होगी। तो आप जैसे अरे लोग लेजेंड होते हैं, लोगों के लिए मिसाल होते हैं। आप लोगों को पर्दे के पीछे नहीं होना चाहिए, आप लोगों को सामने आना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए, ये मेरी लाइफ स्ट्रगल है, मैं इससे निकल के आ गया। नो सर, डाउट मेरे यू आर आपके साथ ट्रू। मेरा ये पहला पहला इंटरव्यू है कि रिहान भाई का मैंने देखा था। मैं नेट को इतना यूज, फेसबुक को इतने सारे मैं फ्रेंड नहीं बनाती थी, रिहान अल्लाह वाला भाई के जो फ्रेंड थे उन्होंने मैंने फ्रेंड बनाए, और माशाल्लाह हर किसी ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, हर कोई अपने नॉलेज बता रहा था मुझे, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, इसीलिए मैं लाइव आई, मगर मैंने कभी अपनी पिक्चर भी शो नहीं की है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत देता है, सब अच्छा हो जाता है वक्त के साथ साथ, सब बेहतर हो जाता है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा और बहुत अच्छा होगा, और बहुत अच्छे से आप बता रहे हो, बहुत अच्छी बात, अच्छे बातें और बड़ी सीखी बातें, बड़े तजुर्बात हमारे साथ शेयर कर रहे हो जिंदगी की, अपने स्ट्रगल से जो कुछ आपने सीखा है वो हमें बता रहे हो, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो नो डाउट आपने माशाल्लाह इंग्लिश के साथ साथ में इंटरनेट भी सीख रहे हो, लाइव आके बातचीत कर रहे हो, इंसान के अंदर हिम्मत होती है, बस उसको निकालने की जरूरत होती है। तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हो। तो मेरा अगला सवाल है, आपने बोला कि मेरा ड्रीम था, मेरा ख्वाब था कि जो मैं अपने बच्चों में देखती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे तो मेरे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कौन सा वो आपका ख्वाब था जो आप अपने बच्चों में देख रहे हैं? और बस मेरा ख्वाब ये है कि मेरे बच्चे अच्छे से अच्छी इनको तालीम मिल जाए, इनका इनका जैसे मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, और ये भी लोगों को फायदा दे। जी, मेरा सवाल किया था आपका वो क्या ख्वाब था जो आप बच्चों में देख रहे हैं? मेरा ख्वाब ये है कि मेरे बच्चे जो है ना, नाज़रीन लगता है कि हमारे जो गेस्ट हैं आज की, उनका शायद नेटवर्क का इश्यू है इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन बड़ी अच्छी बातें कर रही थी, ट्रू इंस्पायरेशन है, ट्रू लेजेंड है, कह रही थी जो चीज बातें गेस्ट हमारे बता रहे थे कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, साथ साथ अपनी तैलीम भी कंप्लीट की और अपने बच्चों के साथ साथ जो है पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने मैट्रिक भी दे दी, फैशन डिजाइनर भी है, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रही थी और बड़ी अच्छी बातें और बड़ी बेहतरीन अंदाज से कह रही थी। और उस इलाके से है जहाँ लड़कियों को तालीम नहीं दी जाती, वहां से ये निकल कर
आज 39 ईयर्स की ओल्ड की लेडी थी, इनके 4 चाइल्ड भी हैं, लेकिन इस उम्र में इन्होंने इंग्लिश सीखी, इस उम्र में इन्होंने इंटरनेट सीखा, इस उम्र में उन्होंने यूट्यूब से फैशन डिजाइनिंग सीखी कैसे चीजें, तो इन्होंने डिजिटल चीजों का, यूट्यूब का प्रॉपर इस्तेमाल किया, बड़े बेहतरीन अंदाज से इस्तेमाल किया अपने हुनर को, उस यूट्यूब से जो हुनर सीखा उसको अपने रोजगार के लिए इस्तेमाल किया, और साथ साथ अपने बच्चों की पढ़ाई भी की। और एक अच्छी बात बोले कि जब मैंने अपनी बेटी को का 9th का एग्जाम दे रही थी, तब मैं मैट्रिक का एग्जाम दे रही थी, उसके साथ साथ बच्चों को जब मैं मदरसे लेके जाती थी तो मैं खुद मदरसे में बैठ के उसके साथ बच्चों के साथ पढ़ती थी। तो बच्चों के साथ साथ इन्होंने एजुकेशन हासिल की और बड़ी इंस्पायरेशन है। तो ऐसे लोगों को हमें इनक्रेज करना चाहिए, ऐसे लोगों को हमें मोटिवेट करना चाहिए, इनकी लाइफ स्टाइल से हमें सीखना चाहिए। मुझे उम्मीद है आज हमने बहुत कुछ सीखा होगा इनकी लाइफ स्टाइल से, और बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बेहतरीन बात है इन्होंने बताई। तो नाजरे, मैं आपका मेजबान डॉक्टर संजय कुमार आपसे इजाजत लेता हूँ। आज के हमारे गेस्ट से हमें बहुत ही प्यारी बातें सीखी, अगले लाइव शो में एक और बेहतरीन गेस्ट के साथ मिलेंगे और कुछ और नया सीखेंगे। तब तक के लिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।